हेलो मैं श्रीलता चीफ डाइटिशियन आज हम न्यूट्रिशन और फिटनेस ऐसे चीज़ के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं से हम सब लोगों को एक चिंता रहता है कि एक आदमी बहुत खाता है फिर भी दुबला रहता है मैं बहुत कम खाता हूँ फिर भी मैं मोटा हूँ ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के वजह से ऐसा रहता है तो जैसे हम लोग खाते हैं वो जो डाइजेस्ट करने का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं उनको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं तो यू हैव हाँ टू तो ईट अकॉर्डिंग टू तो योर बॉडी कॉम्पोजिशन जैसे हम लोग हैवी वर्क करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है जैसे कम वर्क करते हैं तो तो कम करना चाहिए जैसे सेंडेंट्री लाइफ स्टाइल जो होता है जो डेस्क जॉब करते हैं उन लोगों को दिमाग से काम रहता है तो उन लोगों को लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स गुड प्रोटीन गुड फैट्स लेना है जो बहुत हेवी काम करते हैं जिनका मसल्स बोन्स यूज होता है उन लोगों को अच्छा कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है क्योंकि कंटिन्यूसली मसल वेरेंटेड रहता है तो ऐसे लोगों को हाई कैलोरी की ज़रूरत पड़ता है या जब इंसान को कुछ डिजीजेज़ होते हैं जैसे ट्यूबर की लॉसिस टी बोलते हैं या क्रॉनिक लिवर डिजीज जो अल्कोहल की वजह से होता है इनको लो, इन लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ता है क्योंकि उनके बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है न्यूट्रिशन तो थोड़े लोगों को मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट के वजह से ओबिसिटी हो जाता है तो ये मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल में लाया जाएगा दैट इज़ बाय टेकिंग गुड प्रोटीन फूड्स एंड बर्निंग द फैट विथ कैलो एनर्जी आई मीन रेस्ट्रिक्टिंग द एनर्जी एंड बाई ऑल्सो डुइंग एक्सरसाइज जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका कैलोरीज बर्न हो जाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्टेबल हो के आपका वेट लॉस देखना शुरू होगा जैसे आप प्रोटीन फूड अच्छा लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आएगा तो ओवरऑल इन अ स्मॉल क्यूब अच्छा एक्टिविटी रहना चाहिए बैलेंस डाइट रहना चाहिए देन योर मेटाबॉलिज्म इज अंडर कंट्रोल देन यू हैव अल्दी वेट जिसे हम लोग डायबिटीज़ हाइपरटेंशन देख रहे हैं उसके हिसाब से भी हम लोगों को थायराइडिज्म भी इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है हाइपर हाइपोथायरोडिज़्म जो है वो एक थारयड ग्लैंड जो है वो हमारे ट्रेकिया के पीछे रहता है ये बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन रहता है ये हॉर्मोन्स को रिलीज करता है थायरॉयड हॉर्मोन्स को यह हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है जब ये थायरॉयड ग्लैंड में कुछ डिफरेंसेस आता है दैट्स इम्बेलेंस ये सेक्रिशन में इम्बैलेंस होता है जैसे जब इम्बैलेंस होता है या हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म लो हो के वेट गेन ज़्यादा होना पड़ता है वेट गेन होने से ओबिसिटी होता है माने एक पाँच छः किलो का वेट गेन आसानी से होता है और पेशेंट्स को फॉल महसूस होता है स्किन ड्राइनेस होता है कॉन्स्टिपेशन होता है ऐसे ये सब हार्मोनल इम्बेलेंस के वजह से होता है और हाइपर थायरोयडिज़म भी ये जो थायरॉयड ग्लैंड का इम्बैलेंस से ही होता है तो आर्टिफिशियली हम लोगों को थायरॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है हाइपो में और जब तक ये थायरॉयड नॉर्मल नहीं होता है ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जब तक रहेगा तो दवाई पे एक्सटर्नल एक्जोजिनस थायरॉक्जिन का सप्लीमेंट करते हैं तो हाइपर थायरोडिज़म में एकदम स्किन ड्राई हो के स्केली फ्लेकी हो जाता है पटना शुरू होता है जैसे सांप के स्किन के जैसा होता है वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों का बहुत कैलोरीज बर्न होना शुरू होता है मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं दे टेंड टू लूज लॉट ऑफ वेट हाइपोथरिज्म में दे पुट ऑन मोर वेट हाइपोथिज्म में दे पुट ऑन दे लूज लॉट ऑफ वेट बहुत वजन घटता है और इन लोगों को भूख भी कम हो जाता है और डाइजेशन भी स्लो हो जाता है बहुत सारे इम्बैलेंस रहते हैं दे बिकम वेरी इरिटेबल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है कभी कभी दिल का धड़कन भी बढ़ता है दे विल फील पैल्पिटेशंस तो मोस्टली इट शुड बी टेकन केयर बाय अ डॉक्टर आप सही तरीके से इलाज करेंगे सप्लीमेंटेशन करेंगे हार्मोन का तो ये क्यूरेबल रहेगा शायद आपको छः महीने से तीन साल तक का दवाई लेना पड़ता है या कभी कभी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है आपका स्क्रीनिंग थायरॉयजन हार्मोन का हर हमेशा करना चाहिए टी थ्री टी फोर का भी स्क्रीनिंग होता है उसके हिसाब से ड्रग डोसिंग होता है ये सब हम लोग एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं जैसे थोड़े फूड्स हैं जैसे सोया प्रोडक्ट्स है सोया मील मेकर सोया मिल्क सोया नगेट्स ये सारे ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने से हिंडर करता है सो ये सोया फूड आइटम्स को थायरॉय मोन डेफिशियंसी में अवॉइड करना पड़ता है या कम मात्रा में लेना पड़ता है जब आप नॉर्मली लेते हो ड्रग ऑब्जॉर्बन कम होता है तो आपको थायरॉयड का फ्लक्चुएशंस बहुत दिखना शुरू होता है तो वाटर अच्छा लेना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी रहना चाहिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए ऐसे लेने से तो टू तो सम एक्सटेंट यूर थाइरॉयड कैन भी अंडर कंट्रोल जैसे हम लोग बच्चों को देखते हैं उनका न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब आप उनको न्यूट्रिशन देते हैं वो न्यूट्रिशन आगे जाके वो लाइफ लॉन्ग रहेगा जैसे बच्चों में न्यूट्रिशन जो मिलता है उनका बोन्स बोन्स का डेवलपमेंट होता है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन वॉट इज गिव एट दैट एज उनका मसल कॉम्पोजिशन है वो भी ऐसा है सो द मेटाबोलिज्म इज़ गुड इन चिल्ड्रन सो आपको अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ता है बिकॉज दे आर ग्रोइंग आपका जब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता है तो इट विल इफेक्ट इन द फ्यूचर उनका स्टंटिंग ग्रोथ होता है शॉर्ट रहते हैं या उनका मसल तिन रहता है तो यू आर नॉट गिविंग एडिक्वेट उनका मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अच्छा नहीं देंगे उनका शॉर्ट स्टेचर रहेगा और तिन रहेंगे जब हम लोग बूढ़े होते रहते हैं जैसे द एज एडवांसेस आपका मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होता है तो उन लोगों का डाइजेशन कम होता है जैसे बच्चों में भूख ज़्यादा रहता है फिजिकल एक्टिविटी जैसे रहता है चाइल्ड हुड इज़ जस्ट अपोजिट टू ओल्ड एज तो इनका मेटाबॉलिज़्मल हो जाता है दे विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट खाना जल्दी आजमाद नहीं होता है उनका चूइंग सोलोइंग प्रॉब्लम्स रहते हैं न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स रहते हैं तो इनके हिसाब से सॉफ्ट फूड देना चाहिए तोड़ा तोड़ा करके ज़्यादा बार देना चाहिए लिक्विड के टाइप के फूड्स देना चाहिए क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो गया तो जैसे जैसे आपका एज घटता है जैसे यू क्रॉस फोर्टी यू क्रॉस फिफ्टी यू क्रॉस सिक्सटी योर मेटाबोलिज्म इज ऑल्सो ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू योर एज तो मेटाबॉलिज्म इज मोस्ट एक्टिव चाइल्ड हुड में जैसे द एज एडवांसेस इट विल नॉट बी एक्टिव सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस अकॉर्डिंग टू द एज आपको खाना चाहिए स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ समीज लाइफ जिसे हम लोगों को डाइट इम्पॉर्टेंट है जैसे हम लोगों को वाटर इम्पॉर्टेंट है जैसे हम लोगों का एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्लीप एंड आइडियली स्लीप का एक स्टिपुलेटेड टाइम रहता है जैसे हम लोगों को गॉड हेज क्रिएटेड दैट बायोलॉजिकल क्लॉक तो हम लोगों को हो सकता है तो चार बजे उठना चाहिए वेदर यू फॉलो एनी रिलीजन दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड की गेटअप एट फोर ओ क्लॉक एंड स्टार्ट प्रेइंग गॉड डू योर एक्टिविटी बाई सेवन यू हैव टू वाइंड अप एंड गो बैक टू वर्क ऐसा है और रात को नौ बजे तक सारे चीज़ कंप्लीट करना है नौ बजे से सोना चाहिए ऐसे करने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है रेस्पिरेशन अच्छा होता है बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट अच्छे होते हैं जब आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है तो दैट इफेक्ट्स योर माइंड माइंड एंड गट हैज अ रिलेशन माने स्टमक तो इट लोवर्स योर डाइजेशन इट लोवर्स योर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से आपको हाइपर एसिडिटी होता है हाइपर एसिडिटी आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिसडर नहीं तो हर्निया या कुछ भी ईसोफेजाइटिस ऐसे कॉम्प्लीकेशनस आते हैं जब आप साउंड स्लीप लेते हो तो आपका डाइजेशन एक्सक्रीशन एसिमलेसन एब्जॉर्बशन सब सही सही तरीके से होता है जब आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया इंसोमनिया हो गया तो आपको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होने का हंड्रेड परसेंट चांसेस रहते हैं ऐसा है कि आउट ऑफ टेन मेंबर्स फोर पीपल सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो जैसे हम लोगों को बुखार आने से पता चलता है कि बुखार आया जब आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो किसी को पता नहीं चलता अनलेस आर नियर विथ सम मेडिकल प्रोफेशनल तो वो जब तक पता नहीं चलता कि बहुत देर हो चुका है तो इंसान को सालों साल दवाई पर रहना पड़ता है तो दे गो टू साइकोलॉजिकल डिप्रेशन सो बैडली दैट नेक्स्ट थ्री फोर ईयर्स ऑफ लाइफ दे विल बी ऑन ड्रग्स एंड वी कै नॉट एश्योर बोल नहीं सकते कि वो लोग तीन साल के बाद अच्छे होने वाले ऐसे भी हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग उन लोगों को ट्रेंक्यूलाइजर्स और सेडेटिव पे भी रहना पड़ सकता है तो स्लीप साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बडी तो हम लोगों को सिक्स टू एट आवर्स साउंड स्लीप रहना चाहिए जैसे लोग बेड के ऊपर बैठते हैं व्हाट्सअप देखना शुरू करते हैं इंस्टाग्राम देखना शुरू करते हैं लैपटॉप में करना शुरू करते हैं या कंप्यूटर में ये स्क्रीन टाइम जो रहता है ना दैट इज़ गोइंग टू ब्लॉक योर स्लीप साइकिल सो ऑलवेज ट्राई टू कीप अवे योर गैट जस्ट वन आवर बिफोर स्लीप एंड यू शुड बी हैविंग अ काम एनवीरोनमेंट बिफोर यू गो टू स्लीप टेक सम स्पिरिचुअल बुक रीड फॉर फाइव टू टेन मिनट्स एंड देन गो स्लीप वी शुड नॉट सी एनी ब्लू लाइट और एनी स्क्रीन लाइट बिफोर वी स्लीप ऐसे करने से स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ बैड वंस इफ़ योर स्लीप इज़ डिस्टर्ब हाइपर होने का चांसेस हंड्रेड परसेंट रहते हैं इन सोमनिया से एंड मैं जैसे मैंने कहा कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस से साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स होते हैं और जिनको डाइबिटीज़ है उनका ब्लड ब्लड शुगर्स भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ विल भी लोवर्ड इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपरली तो टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्लीप इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट तो सही हिसाब से आप बैलेंस डाइट लेंगे फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हम लोगों को डा से फ्री लाइफ रहेगा तो हेल्दी लाइफ रहेगा तो आप लोग सबको न्यूट्रिशन का इंपोर्टेंस मालूम रहना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए थैंक यू